नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका योगेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, अपना क्लासरूम। दोस्तों, खोरठा के सीरीज में हम लोग कई सारे कहानियों और कविताओं को देख चुके हैं, और इसी कड़ी में अगर आगे की बात की जाए तो आज हम लोग सोंधमाटी से, जिनका लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार, और सोंधमाटी के ही एक कहानी को लिए हैं। चूँकि सोंधमाटी एक कविता और कहानी संग्रह है, परंतु हमें यहाँ पर कहानी देखना है और कहानियों के आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे जिंदगी डोवानी। दोस्तों, ये जिंदगी डोवानी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको पास ये सवाल आ सकता है। तो इसका होता है जीवन का संघर्ष, यानी कि जीवन जो है, जीवन का जो संघर्ष होता है उसके बारे में ये बात करती है। दोस्तों, जिंदगी का डवानी एक ऐसे बेरोजगार युवा की कहानी है, जो शिक्षित है परंतु उसे नौकरी नहीं मिली है। और इसी कहानी का जो मुख्य पात्र है, यानी कि जंगली, और जंगली जिसके इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है, और जंगली के साथ में क्या क्या होता है। मुख्य पात्र का नाम ही जंगली है, कभी ये ना सोचे कि जंगली किसी विशेषण है। दोस्तों, जंगली नाम का एक लड़का है जिसका जो पढ़ा लिखा है, परंतु पढ़ा लिखा है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती है, यानी कि वह बेरोजगार है। जैसे आप हैं उसी प्रकार से यह बेरोजगार है। तो इसी बेरोजगारी को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने समझाया है और बताया है। इसमें, इस कहानी में तीन और मुख्य कैरेक्टर हैं जिसके बारे में आप समझेंगे। पहला तो है कि उसका जो एक बड़ा भाई है, जो कि कोलियरी का बड़ा बाबू है, कोलियरी का जो मंझला भाई है, वह प्राइवेट एजेंट है, जो कि बस का एजेंटी करता है। और यह जो जंगली है, यह सबसे छोटा है और इसका जो है अभी पढ़ा लिखा है, BA पास है, परंतु इसे किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं मिला है, बेरोजगार है। इन तीनों की एक माँ है, और ये माँ जो है वो माँ की चिंता के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो दोस्तों, यह जो कहानी है, पूरी तरह से यह कहानी आप पर और हम सभी के जीवन पर आधारित है, और प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने बड़ा ही ढंग से इसे दर्शाने का कोशिश किया है और दर्शाने में पूरी तरह से सफल भी रहे। दोस्तों, हम लोग इस पूरे टॉपिक को, आप लोगों ने बहुत सारे जगह में वीडियोज देख लिए होंगे, और यहाँ से वीडियोज देखने के क्या फायदे होते हैं वह तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं लेखक के परिचय के बारे में। लेखक के परिचय की बात करें तो इनका नाम है डॉक्टर विनोद कुमार, और इनका जन्म जो है 18/11/1961 को हुई थी। इनकी माता का नाम सुगवंती देवी है, क्योंकि लेखक परिचय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और पिता स्वर्गीय मथुरा प्रसाद है। इनका ग्राम दारूडी, पोस्ट दारू, जिला हजारीबाग है। इन्होंने BA 1981 में की थी और MA खोरठा 1986 में। हिंदी में इन्होंने MA की 1989 में, और UGC नेट क्वालिफाइड हैं, और साथ साथ में इन्होंने PhD भी की है। इनका अगर अध्यापन का कार्य को देखेंगे तो यह जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय के अधीन 10 सितंबर 1986 से 15 जुलाई 1987, लगभग 1 साल तक इन्होंने वहाँ पर अपना योगदान दिया। उसके बाद खोरठा भाषा में सहायक प्राध्यापक के रूप में उन्होंने रांची विश्वविद्यालय में 16 जुलाई 1987 से अभी तक विभागाध्यक्ष रहे। इसके पश्चात 2016 से 2018 तक समन्वयक बने, और झारखंड जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के अधीन आता है, उसमें 2018 से 2020 तक बने रहे। इनकी प्रमुख कृतियों की अगर बात करें तो सोंधमाटी, जो कि खोरठा कहानी एवं कविता का संग्रह है, जिसके एक कहानी की आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। 1990 में इसका प्रकाशन हुआ, और जनजातीय भाषा अकादमी रांची के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। खोरठा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन भी इनके द्वारा प्रकाशित हुआ। बावरा नाम का एक खोरठा निबंध संग्रह भी है, और बोनपत्रा नाम का एक कहानी संग्रह भी है।
दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सोनमाटी की कहानी, जो कि दो नंबर की कहानी है, जिंदगी डवानी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं जिंदगी का संघर्ष। खोरथा में पढ़ेंगे और साथ साथ में हम लोग हिंदी में उसकी जो है बातें, वो चीज़ें जो सुननी चाहिए वो भी हम लोग सुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं खोरथा में कि क्या क्या इसमें कहा गया है और क्या इनका कहानी का रहस्य है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है कि यह शिक्षित बेरोजगार से संबंधित एक कहानी है, और शिक्षित बेरोजगार कौन है? जंगली। चलिए आज हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। से दिन अंधेरे के बेरा रहे, चरय चिरगुन कर काव पैंच ललकवारी हवा संगे मैसाई के वातावरण के सुंदर बनाए दे रहे। जंगली अपन घरे ओसरा में बैसल सोचे हलक कि जदि ओहो कोनो चेहरे रहता। एक मनुष्य का मन होता है और मनुष्य का मन से वो आगे बढ़ता है। मन में वे सोच रहे हैं कि काश मैं भी चिड़िया होता तो इस प्रकार की जो समस्याएं मानव जीवन में है, यह समस्या तो कम से कम नहीं रहती। और वे बैठे बैठे अपने देहरी से इन बातों को ध्यान दे रहा था। कहते हैं कि आदमी के प्रकृति से कुछ सीखे पढ़े बतर मिलते रहे हैं, मुद्दा आज आदमी प्रकृतिक गोड़ा धैर्य संग चलता कखन फुर्सत हवे है कि तनी बोनी झाड़ दने टहलवा करता। बस पैसा कमाई आलत हैं, ई तो पैसा कौड़ी दुनिया लागे। हव जी जे बीए पास करलक बादो नौकरी खातिर भटकल बुले हैं, नखे पाकिटे पैसा जे कोनो हमरा बेस करता। और आपन घरे के कई बेर देखले रही माइयो बाप कमासू बेटा के कहते दुलार करे हत और सगरे ओकर माइन हमर ठीन की है। बस अब तो पेंशन भोगियो, जो बेरोजगारी भत्ता है उसका हो गेलू, शिक्षित बेकारी भत्ता उठाए रहल हो। रकम रकम के सवाल जंगलियक दिमागे उठल है। जंगलियक कहने का मतलब है यहाँ पर जो मुख्य पात्र है आपका वो। कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के साथ कुछ कुछ सीखना चाहिए और प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना चाहिए, परंतु वर्तमान परिदृश्य में ऐसा समय किसके पास है? सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसे की भागम दौड़ में वो प्रकृति से अपना जो तारतम्य है इसे छोड़ चुके हैं। दोस्तों उनका कहना है, ये सोच रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि हम आज बीए पास कर चुके हैं और हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, जिसके कारण से अगर हम अपने आप को देखते हैं तो आज हम भटके हुए हैं और भटक रहे हैं इधर से उधर। मतलब पॉकेट में ना तो पैसा है और ना ही कोई हमको बढ़िया कहता है। क्यों? क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। बोलता है दूसरे की तो बात छोड़ दो, घर परिवार की ही अगर बात करें तो वही बेटा का वैल्यू है जो बेटा कमाऊ है, उसी का बात सब जगह चलती है जो बेटा कमाऊ है। जो बेटा कमाऊ नहीं है उसका बात कोई भी नहीं करना चाहता है। यानी कि हम अब उस लायक हो गए हैं जो कि सरकारी पेंशन, जिसको बेरोजगारी भत्ता जो सरकार देती है उसके अनुसार वो जगह में पहुंच चुके हैं और अब हम बेरोजगारी भत्ता के ही सिर्फ लायक हैं। एकदम आसान भाषा में समझें, खोरथा के साथ में देखें और हिंदी को भी साथ में समझें, ताकि आपके पास जो भी प्रश्न आए उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अब जंगली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। जंगली रहे पढ़ल लिखल, घर बैठ के एक गो बीए पास, उन्होंने पूरा घर परिवार में एक ही आदमी था जो बीए पास है, पेट काट के ओकर बाप पितिया पढ़ल थी, मतलब बाप पितिया जो है वो पढ़ाया अपना पेट काट के। वो आज पढ़ लिख तो ललक मुद्दा नौकरी नाराद। आज का जो स्थिति है, वर्तमान जो परिदृश्य है, उसी परिदृश्य पर यह बात कहा गया है। बोलता है जंगली का जो बड़का भाई है वह कोलियरिक ऑफिसे बड़ा बाबू रहा और मंझला भाई पराबित सवारी गाड़ी के दलाल। दलाल मतलब एजेंट, जिसको बोलते हैं एजेंट, जो आप देखते होंगे टिकट विकट बुकिंग करता है वो। आइए में जंगली हलक तखने ओकर बाप सिराए गल। जब आइए यानी कि इंटरमीडिएट का जब इंटर जब कर रहे थे तो उसी समय जंगली का पिता जो है वो मर चुके थे। माँ जो है उसको पढ़ावे का बोझा किस पर आ गया? तो माँ पर। बेचारी के घेचा के हंसलू बेची आर दू भर सोना की सीकरी बांधिक धर जंगली के पढ़ावे खर्चा पूरा कर लिए।
गला में ऐसे हसूली होता है, जिस हसूली को बेचा गया और फिर सोना का जो सिकड़ी था उसको बंधक रख के जंगली को पढ़ाने का खर्चा पूरा किया। एक ही गो आज था कि जंगली कमाएगा तब सब घूम के चला आएगा, जंगली कमा तक तखनी सब घुर जाए और जंगली जिंदगी बन जाए। मुदा ई का बेचारा कहाँ नहीं देखले दरखास्त नौकरी खातिर सौ दू सौ और रकम जुआड़ी नियर खेलाई देखलक, मुद्दा छेदामी से नाई। कंपटीशनों बैसल दू तीन बेर, एक बेर तो दरोगा कंपटीशन पास हो गेल रहे, मुद्दा चांदिक जूता नजीक सब खखूरी परपट, माय पाकिट खर्चा और हेन तेन खर्चा देते अजीज हो गेल थी और उनखर आसरा तो आरो टूट गेल जखन जंगली नौकरी पावे उम्र पा रही। उस जगह में तब तक सबको अच्छा लग रहा था जब तक उम्र था और सब कोई उसका पॉकेट खर्चा भी दे रहा था, माँ किसी तरह से कमा के उसका पॉकेट खर्चा मेंटेन कर रही थी। लेकिन उनका एक बार परीक्षा भी निकला था दरोगा का, लेकिन फाइनल उसका हो नहीं पाया। अब तो स्थिति ये हो गया कि वह जो है अब फॉर्म भी नहीं भर सकता था, उम्र भी उसका पार हो चुका था, यानी कि आसरा कंप्लीटली खत्म हो चुका था। कहा गया है कि माइयो गुमे रहे हल थी, चुप रहता था, फिक्रे आनो पानी बाहर दल थी, एक के बात रहन उनकर मुंह पर जंगलिया पढ़ लिख के बेकार हो गया, मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और यह बेकार हो गया। तीन भाई में यह सोबले हीन है और तीनों भाई में सबसे हीन यही रह गया। काल का कहतक जखन तीनों के फरक फरक हो जाता, गांव में तो तीनों भाई है तो भाई अलग अलग हो जाएगा, बिहो शादी नहीं करे पारलू जंगली, कहे हेल माई नौकरी धर ली है बिहा कर ले बैस हो, तो जंगली बोलता था कि अगर नौकरी हो जाएगा उसके बाद विवाह करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, नौकरी धर ले है बिहा कर ले बैस होते, परिवार लाने के पहले कुछ जुगाड़ो चाहिए, तो परिवार अगर लाएंगे बहू अगर लाएंगे तो कुछ जुगाड़ तो चाहिए। मुद्दा अब का होता, न भेल नौकरी न भेल बिहा, आज हमारो हालत दिनों दिन खराब होने लगा, माँ सोच रही है कि ना तो नौकरी हुआ ना ही विवाह हुआ और मेरा भी हालत अब दिन प्रतिदिन बुढ़ापा आ रहा है खराब हो रहा है। एक दिन माई जंगलिक हकाय के कहे हलती कि बेटा तो कुछ करो बिजनेस कर, बैसल से काम ना तो टीसनी पढ़ा, बोलता बैठे से काम नहीं चलेगा तो कम से कम ट्यूशनों पढ़ा जैसा कि गांव में लगभग लड़के करते हैं। जंगली आड़ होके माँ के वचन सुनलक और आखिर में माय के कहलक, माय कहाँ पाव पूंजी जे बिजनेस करब, बैंकों से कर्जा ठीक ना है, कर्जों निकालने में पैरवी बार कमीशन दिए पा रहे है और हमर लायक तो नखे जे 10-20 हजार रुपये जुगाड़ कर ले, कोनो जवाब ना रहे माय थी। तो बोलता है जंगली कि माँ कैसे बिजनेस करूंगा, बिजनेस करने के लिए तो पूंजी चाहिए और पूंजी कहाँ है, अगर बैंक से भी लोन लेते हैं तब भी वो ठीक नहीं है और लोन निकालने के लिए भी तो कमीशन देना पड़ता है और हमारे पास ऐसा नहीं है कि 10-20 हजार रुपया जुगाड़ कर लें, कोनो जवाब ना रहे माइठी। तो माँ भी बिना जवाब का शांत हो जाती है। बेरोजगार जंगली भाइयों भोजाई के नजरे दूधक माछी हो गया, दूध का मक्खी कहने का मतलब है कि दूध में जैसे मक्खी को उठा के फेंक दिया जाता है उस प्रकार से दूध में अगर मक्खी गिरता है तो लोग उठा के फेंक देते हैं, है ना। तो बोलता है बेरोजगार जंगली भाइयों भोजाई के नजरे दूध के माछी हो गया, भैया भोजी से बतियाहत तखनी मखमली बोली और हमें जंगली से बतियाहत तखनी मरचा लहरल। कहने का मतलब भैया से जब भाभी भौजी से बतियाता है तब बहुत ही सुंदर सुंदर मीठा बोली बोलता है और जब वही जंगली से बात करता है तो ऐसे ही दुत्कारा हुआ बात। हाँ जखन कोनो काम करबेक रहते तखनी बजका मिश्री घोर उतरी रहे, भौजी के वह हाल रहे गौर में तनी धूर नाय लागे चाही, घंटे घंटे चाह चाही, मतलब भाभी भी वैसे ही जुटी थी जिसको पैदल चलना मंजूर नहीं लेकिन हर घंटे में चाय पीने का बड़ा शौकीन था। कदियों पूछबो न करते कि जंगली चाह पीबा और कभी पूछता भी नहीं था कि जंगली तुम चाय पिएगा,
बस काम धरी जंगली के याद हवे है, और जंगलिक हाटे जा फलना सौदा किनो पार तो इतने नाई हाका वहती जंगलिया कही के ए जंगलिया डाके लागे हत। ठीक वैसने जैसने कोनो कचहरी में मुजरिम के डाकल जाए। जंगली कहता है जब काम पड़ता है तो मीठा मीठा बोली होता है, लेकिन फिर भी जो डाक है वह डाक उसी प्रकार से होता है जैसे कि मुजरिम को डाका जाता है कोर्ट कचहरी में, जैसे नाम का संबोधन करते हुए ए जंगलिया इस तरह से। कहते सुंदर नाम है जंगली, मनक जंगल के रहे वाला, बुध गैर ज्ञान गैर गंवार नाय। मुद्दा कहे हथिन कोई जंगली, बुझे पारला असली माने, कहते सुथर नाव के बिगायर के राख दिल हथिन, मनक कहल जंगलिया गंवार बोका। जंगली का मतलब जंगल में रहने वाला और जंगलिया का मतलब क्या होता है, गंवार और बोका। हम लोगों ने तीन चार कैरेक्टर को अभी तक देख लिया है और चौथा कैरेक्टर अब आएंगे। जखन जंगली घर के बाहर निकले तो चेंगवेन, चेंगवेन मतलब होता है बच्चा सब, जो उस समय बच्चा छोटा छोटा होता है वह सब। चेंगवेन तनी चोले कहा हत, बुढ़वा दादा देखा रे बुढ़वा दादा जा लागल है। तखनी जंगली मुरक के जाहे और मुरक के टोमड़े लागे। जब आदमी बोलता है कि बुढ़वा दादा जाता है बच्चा लोग, तब वह सोचता है क्या हो गया है मेरा जीवन का। हे माने मन कहे है, हाँ रे चेंगवेन 30 बरिस के बूढ़ा ही पढ़ पौष ही, कहीं लाए तोहनी तोहनियों को नौकरी ना भेटले, मारल फिरल चलवे हमरे नियर। तब जंगली का मन से अनायास ही निकलता है, हाँ 30 बरस का तो बूढ़ा है जो दूसरे का खाया हुआ खाते हैं, भगवान न करे कि तुम लोगों के साथ भी ऐसा हो और तुम लोग भी नौकरी के लिए भटको। अभी रीढ़का समय हो तहनी सोचते पागल हो जा तक जंगली, कॉलेज जीवन के याद करके कल्पे है, कहाँ गेल उ सब संगी साथी, खराब दिने कोई संगी साथी नाए। जखन पाकिटे 4 गो पैसा रहे हल तखन 4 गो संगी साथी रहे हल, आज बेरोजगार ही तब हमर संगियो हमर से मिलक में लाजा है। एक बेर याद है अशोक, नेक्स्ट कैरेक्टर का देखेंगे तो नाम आ जाता है अशोक। अशोक के बिहा घरी गेल रहे, हाथे छूछे रहे, मुद्दा साथिक प्यार हुआ तक ले गेल। नॉर्मली वो कहीं जाता नहीं था क्योंकि उसको ये चीज लग गया था, जब तक कॉलेज के दिनों में पैसा कौड़ी था तब तक दोस्त यार सब थे और दोस्त यार सब खत्म हो गया, परंतु लगाव था अशोक के साथ में, इसलिए वह सोचा कि चलो विवाह है तो चलो, बुलाया है तो चल जाते हैं। लेकिन वहां भी उसके साथ एक घटना घट गई। मुद्दा साथिक प्यार में हुआ तक तो ले गलक, गेला के बाद खाए पिए पूछा तो भेलक, मुद्दा उ ललक नाय जे संगी साथी में रहे। अब पुराना जो प्यार था वो प्यार उसको वहाँ पर नहीं दिखा। देखिए कुछ कुछ तो हिंता अपने अंदर भी आ जाती है, जिसके कारण भी लोग इस प्रकार का फील करते हैं कि लोग हमसे बात नहीं कर रहे हैं, लोग हमको उस नज़र से देख रहे हैं, ये अपने आप में अंदर से भी फीलिंग आती है। लेकिन एक्चुअल में देखिए कहीं ना कहीं तो यह बात सही है, जो नौकरी करता है वह बिना नौकरी वाले को थोड़ा सा वैल्यू कम देता है, कितनों बढ़िया दोस्त रहे क्यों नहीं, भलो वो कम कमाता हो। लेकिन यहाँ तो बेरोजगारी की बात है, अशोक बड़का नौकरी वाला आदमी है और हम ही छुच्छा सेहे पैंच के हमरा सुनाक ओकर बोर भाई कहिए दिलती। जंगली एकदम जंगली है, जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है, कटसी मतलब जो गिफ्ट होता है करेजाम, ई बात हमर करेजाम लागल। सेहे माने कहलू कि हाँ 10-20 गो रुपया ना दिए पारलू, दिए सेले कटसी ना जानी हम, बस आर का कहीं संगी साथी घर ना जाए के क्रिया खा ले लो। उसके बाद से कहीं भी और किसी भी संगी साथी का विवाह में नहीं जाने का वो कसम खा लिया। दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं आम होती है जो आप देखे होंगे, और इस प्रकार की लगभग लगभग जगहों में होती है। आकाशे तनी तनी बदरी छित्रायल रहे, आए जंगलिक मायक हालत ठीक नहीं। बोलते आकाश में बादल है, बारिश का मौसम है, और आज जो जंगली है उसकी माँ का तबीयत भी खराब है, बुढ़ापा आ गया है और बुढ़ापा में तबीयत भी
खराब होने को है और वह मरणासन बेड के जो है बेड में लेटी हुई है। सो भाई भोजाए खाटी संगे औठंग के बैसागत, सब जो है भाई जो है भोजाए जो है तीनों भाई दोनों भाई दोनों का बीवी सब क्या क्या खटिया के साइड में बैठा है। माए अब पार ताव है लिख, बोले माँ अब न तब पार होने का था। जंगली के ठावे बैसल टुकुर टुकुर मायक मुंह देख के कब से हलक, ऊ हालते माए जंगली की दशा पर भीतरे भीतरे कल्पे हले कि जंगली क्या करेगा। मायक ममता जागलत कोशिश करके कह पार लिख, जंगली बेटा आओ हम जाए रहल हूँ जहाँ तोर बाप गेल थी, मतलब हम भी वहाँ जा रहे हैं जहाँ तुम्हारा पिता पहले चला जा चुका है, यानी कि मैं भी मरने वाली हूँ। तो बैस के रहबे, क्योंकि बाकी का सब की पत्नी थी इनका कोई नहीं था, तो बोले तो बैस करके रहबे आर सुन तो तनी भीर आई के, मतलब तुम मेरे सामने आके सुनो। हमार हर के मतलब माता तर 100 गोट रुपया हो, 100 रुपया तो पान के गुमटी लगाए के बिजनेस न धोइयो, तुम पान का दुकान खोल लेना, पान की गुमटी लगा लेना, पान की गुमटी लगा के बिजनेस करना और यही पान की गुमटी से तुमको तरक्की होगा। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, यही से तुम शुरू करो तोर बिजनेस बढ़ाए दे तुम, गावा देती तोर बिजनेस बढ़ाए दे तुम, कहीं के माए टटके सिराए गए। इतना ही कह के माँ जो है वह मर गई, मर गई। मतलब कहने का मतलब है माँ की ममता को अगर देखा जाए, माँ की ममता यहाँ पर दिख रही है कि अंततः वो 100 रुपया देकर कहती है कि तुम कम से कम जो एक गुमटी भी लगा लो, जो गुमटी होता है वह गुमटी लगा लो और यह गुमटी लगा के कम कुछ रुपया कमाओ और कमाओ बनो, क्योंकि जब तक कमाओ नहीं बनोगे तब तक तुमको कोई भी मान सम्मान नहीं देगा। तो वो यही कह के उसकी माँ मर जाती है। विनोद कुमार जी ने जिस प्रकार से ये चीज़ें देखी है, यह कहीं ना कहीं आम जीवन को बड़ा ही झकझोर देने वाली कहानी है दोस्तों। और इस कहानी का जो सीरीज है, यह सीरीज हम लोग चला रहे हैं, आप लोग बहुत जगह में ये सोनमाटी की कहानी देख चुके हैं और आशा करता हूँ कि आपको उससे बेहतरीन इसमें मिलेगी। और हाँ, कोशिश करेंगे देखने के बाद आप जब बनाने का, तब आपको समझ में आएगा कि अधिकतर प्रश्न आपके आसानी से बन जा रहे हैं। धन्यवाद, जोहार। नेक्स्ट वीडियो झारखंड से संबंधित वीडियो, झारखंड की नई जो वीडियो है वो भी अपलोड होने लगी है और आप लोग झारखंड की इतिहास हिस्ट्री ऑफ झारखंड का जो वीडियो है वह आप देख सकते हैं, देखें आप का यूट्यूब चैनल में अपलोड किया जा चुका है और कंप्लीट वीडियो, चूँकि मैंने कहा था कि 1/7/01/07/22 से पुनः सभी क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी, तो वो आपका प्रारंभ हो चुकी है, वो भी फ्री में उपलब्ध है। आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से शेयर कर दें, और अपना बहुमूल्य राय जरूर दें, यानी कि कमेंट जरूर करें। अगर आप देखते हैं वीडियो तो कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट से ही पता चलता है कि क्या गड़बड़ है, क्या सही है और किस प्रकार के आपको और बेहतर क्लासेस दिया जा सकता है। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।